नमस्कार मित्रों, सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और इस क्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी। एर्नाकुलम रीजन सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय का जहां तक रिजल्ट का सवाल है, उसमें एर्नाकुलम रीजन को सबसे ऊपर स्थान मिला है। तो इसी क्रम में मैं देख रहा था, रिजल्ट ब्राउज कर रहा था, तो ये एक रिपोर्ट मुझे मिली कि 12वीं की प्रयागराज रीजन टॉपर वैभवी भी। तो प्रयागराज कभी जहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज पुराना नाम था इसका, फिर बीच में मध्यकाल में इसको इलाहाबाद नाम दिया गया था, फिर वापस इसको प्रयागराज इसका नाम पुनः वापस मिला है। तो वहाँ की जो प्रयागराज रीजन की जो टॉपर हैं वह भी हुई हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है, जैसा कि सबको मालूम है। और इसी क्रम में वाराणसी के दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS की छात्रा वैभवी सिंह ने प्रयागराज रीजन में टॉप किया। CBSE बोर्ड रिजल्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने मार्क्स CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करने में जुट गए हैं। बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। इसी क्रम में वाराणसी के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा वैभवी सिंह ने प्रयागराज रीजन में टॉप किया और इनके मार्क्स को अगर आप देखें तो 12वीं में 500 में से 497 मार्क्स, 497 आउट ऑफ 500 एंड सी स्कोर 99.4% हासिल करके हर किसी का हैरान कर दिया। आपको बता दें कि वैभवी ने मानविक ह्यूमिटीज विषयों में 12th का एग्ज़ाम दिया था, उन्हें सभी विषयों में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। बता दें कि वैभवी का पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, यही कारण है कि वह अंग्रेजी और पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल कर चुकी हैं। वहीं बात करें अन्य विषयों लीगल स्टडीज़, साइकोलॉजी और हिस्ट्री की, तो उन्हें बाकी विषय सभी में 99 मार्क्स मिले हैं। ओके, इन विषयों में 100 आउट ऑफ 100। बता दें कि वैभवी के पिता कृष्णमोहन सिंह प्रयागराज रेलवे में मुख्य विद्युत इंजीनियर हैं, जबकि माता मालिनी सिंह रणी हैं। यूपी तक से बातचीत करते उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी की सफलता से काफ़ी खुश हैं। पिता के मुताबिक वैभवी शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी होशियार और सिंसियर रही हैं। वैभवी ने सेल्फ स्टडीज़ की बदौलत इतनी शानदार प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट जो लाइन है ना, यही मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि बहुत सारे माता पिता बच्चों को अच्छा करने के चक्कर में कोचिंग वगैरह बड़े बड़े कोचिंग भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि वैभवी सेल्फ स्टडी के माध्यम से इन्होंने टॉप किया है। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।